हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय शो रोशनी अंधकार के बाद गुफ्तगु मेरे यानी पूजा व्यास के साथ। इस बिजी जिंदगी में फिट रहने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, बैलेंस डाइट, प्रॉपर वर्कआउट और न जाने क्या क्या। फिट रहने के लिए फिजिकल नहीं मानसिक फिटनेस भी उतनी ही जरूरी है। आज हम जिनसे जुड़ने वाले है वो महिला ये मानती है दैट फिजिकल और मेंटल दोनों फिटनेस का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ये एक डॉक्टर है और डॉक्टर होने के साथ साथ आज वो सूरत की रिनाउंड फिटनेस ट्रेनर है। तो मैं बात कर रही हूँ रिबॉक फिटनेस ट्रेनर डॉक्टर कल्पा कापड़िया की। अब तक आपको डांस करते हुए देखा, एरोबिक्स करते हुए देखा, मगर आज लोग देखेंगे कल्पा को बात करते हुए। शुरुआत करेंगे आपके बचपन से। मैं बॉर्न सूरत में हुआ, आई एम फ्रॉम सूरत। यू आर फ्रॉम सूरत? यस। एंड पढ़ाई भी इधर ही हुई। और आई एम कमिंग फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव प्रॉपर वैष्णव फैमिली। जो वैष्णव फैमिली होते हैं गुजराती, गुजराती वैष्णव, वैसे फैमिली से हूँ। ओके। और हम चार बहने हैं, फोर सिस्टर्स। यस। ओके। एंड माई बोथ पेरेंट्स आर वेरी वेल एजुकेटेड, अच्छे पढ़े लिखे हैं। लाइक आप अच्छी पढ़ाई करो, कोई अच्छा काम करो। और स्पेशली फ्रॉम माई फादर्स फैमिली इट वॉज वेरी क्लियर दैट यू मेक अ गुड होम, यू बिकम अ गुड होम मेकर। ओके। यस। तो ये पेरेंटल साइड से बताया गया था, पापा की साइड से ये था, रादर मम्मी की साइड से ये था कि यू आर फ्री टू डू वट एवर इफ यू आर एजुकेटेड। मतलब दोनों का अलग अलग कल्चर, थोड़ा सा कल्चरल डिफरेंट था। तो फादर ये कहते थे होम मेकर, जबकि मदर आपकी और एडवांस थी। माई मदर वुड ऑलवेज टेल मी कि आप खुद के पैरों पे तो खड़ा रहना ही चाहिए। दैट वाज हर। वेरी नाइस। कहाँ तक स्टडी की? आई वॉज गुड एट स्टडीज ऑलवेज, सो मेरा 12th का रिजल्ट आया तो ही वॉज वेरी क्लियर, वेरी नाइस दैट यू आर गुड एट स्टडीज सो यू शुड बिकम अ डॉक्टर। तो वहीं से डिसीजन ले लिया उन्होंने, बोला और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। ऑल्दो आई कुड नॉट स्कोर इनफ फॉर मेडिसिन, सो आई गॉट एडमिशन इन होम्योपैथी। ओके। सो टुडे यू आर आई एम अ होम्योपैथ। या वेरी नाइस। तो कल्पा, जिंदगी के एक पड़ाव को आपने आसानी से पार कर लिया और अब बारी आती है करियर। यस। शादी के तुरंत बाद ही मुझे कभी घर में बैठना रास नहीं था। ये मेरा थोड़ा सा नेचर है कि मुझे कुछ कुछ करना है। आप आइडल नहीं बैठ सकते? नहीं, आइडल नहीं। देखो घर पे भी जो लोग हैं वो बहुत इंडस्ट्रियस है, बहुत काम करते हैं। ओके। माय गॉड, माय मदर इन लॉ शी वर्क्स होल डे घर में। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा एक बात निकली है कि जो लोग घर पे होते हैं दे ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ वर्क। अ लॉट? व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि यहाँ पे हम मैसेज दे रहे हैं सभी हाउस वाइफ और होम मेकर्स को that you are also doing a major role. Absolutely. हमारा घर एकदम सुंदर, clean, neat and spick and span. और वो भी एक बहुत बड़ा काम। Credit goes to my mom-in-law. तो जितने लोगों के माइंड में ये narrow thoughts है that housewife and homemakers are not work. Not at all. No woman in the world is idle or not doing anything. Absolutely. They are the biggest showrunners. Absolutely. Yes. So I tell you about myself. कि मैं अपनी सास की तरह नहीं हूँ थोड़ा। आई एम सो सॉरी, इट हैपेंस, यू आर डिफरेंट। आई एम अ डिफरेंट पर्सन बिकॉज बचपन से मेरा माहौल ऐसा था, मुझे सिखाया ऐसे गया, प्रॉब्ली इट्स इन माय जीन्स आल्सो। सो जैसे ही शादी हुई आई एम लाइक मैं ट्रेनिंग के लिए जाऊँ, क्योंकि डॉक्टर बनना एक बात है, डिग्री लेना एक बात है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है टू बिकम अ सक्सेसफुल डॉक्टर। ओके। सो घर से 2 घंटे ऐसे मैं निकाल के ट्रेनिंग के लिए जाती थी। आपने शुरू कर दिया स्लोली। ओके। फिर अच्छे डॉक्टर से मिला तो इंटर्नशिप के लिए मैंने 4-5 घंटे भी मैं जाती थी। वेरी गुड। बिकॉज वी वर जस्ट मैरिड, आई वॉज नॉट हैविंग एनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो किड्स, एनीथिंग। सो यू स्टार्टेड योर इंटर्नशिप?
I mean training under okay. some senior doctors. Senior doctors ke saath. वो भी अच्छे से हो रहा था. फिर होम्योपैथी में चैरिटेबल क्लिनिक्स बहुत होते हैं. ओके. तो उसमें मुझे ऑफर मिले. बहुत अच्छे से मेरा प्रैक्टिस भी चल रहा था. आपने शुरू कर दिया. यस. वेरी नाइस. यस. एंड बाय द टाइम आई कंसीव्ड. सो नाउ यू आर डॉक्टर कल्पा कापड़िया ऑफिशियली. यस. यस. और आपने कंसीव किया. हाँ. आफ्टर 2 years ऑफ माय मैरिज. ओके. सो प्रेगनेंसी वॉज नॉट ईजी. ओके. आई वॉज एडवाइज बेड रेस्ट. सो पहला काम तो मुझे क्लिनिक वालों को बोलना पड़ा कि मुझे नहीं आई एम नॉट अलाउड टू वर्क एनीमोर. तो क्या करना चाहिए? आपने कौन सी मेंटालिटी को डेवलप किया उस टाइम कल्पा जी? मैंने बहुत रीडिंग किया प्रेगनेंसी के. वेरी नाइस. यहाँ पे एक अच्छी बात निकली कि प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर प्रोफेशनल फीमेल्स का माइंड यहाँ वहाँ होता है, दे शुड रीड. ने अपनी प्रेगनेंसी में जो आपका वीक पार्ट था उसको मजबूत बना दिया. वीक पार्ट समथिंग आई वांटेड टू अचीव. ब्यूटीफुल कल्पा. मतलब उस वक्त को आपने री इन्वेस्ट किया. अब आप वापिस आ गए डॉक्टर. बट नाउ यू आर अ फिटनेस ट्रेनर. हम सब ये जानना चाहते हैं. मैं वही बात पे आ रही हूँ. एक डॉक्टर कैसे बन गया एक ट्रेनर? मैं डॉक्टर की जॉब हमेशा करना चाहती थी. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू प्ले द रोल ऑफ अ सक्सेसफुल डॉक्टर. ओके. माई सेल्फ. बट बिलीव मी, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए भी आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता था. अच्छा. इट्स अ टाइम इन्वेस्टिंग. यस. ओके. आपको क्लिनिक में जाके काफी घंटे बैठना पड़ता है अगर खुद का प्रैक्टिस करना है तो. ओके. व्हिच आई ऑलवेज वांटेड टू डू. ओके. मुझे हमेशा से खुद का क्लिनिक करना था, खुद की प्रैक्टिस करना था. पर उसके लिए बहुत टाइम चाहिए. होम्योपैथी में ऐसा नहीं है कि आप चार जगह डॉक्टर्स बन के जाओ और आपको रेफरेंसेस मिलने. ओके. है, पर रिलेटिवली इट्स अ स्मॉलर फील्ड. तो मुझे ऐसे हमेशा से लगता था कि मुझे ज्यादा सोशल कॉन्टेक्ट बनाने चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे मैं कम टाइम में जल्दी से लोगों के कॉन्टेक्ट में आऊँ. एंड आई कैन टेल पीपल दैट आई नो माई क्राफ्ट वेल, आई नो माई स्किल वेल. मतलब होम्योपैथी का जो आपका डॉक्टर का प्रोफेशन का उसको सपोर्ट करने करने के लिए मुझे ऐसा हमेशा से लगता था कि मुझे कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि जिससे लोगों के कांटेक्ट में आऊं. अच्छा. दैट वाज योर कांसेप्ट कि सोशली आपको थोड़ा सा डेवलप होना था. yes, yes. ताकि वो कांटेक्ट आप डाइवर्ट कर yes, पाओ. दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट योर ओन प्रोफेशन. और वो क्या हो जाता था कि यू ऑलवेज वर्क फॉर अदर्स. ओके. खुद के लिए. हाँ. तो खुद के लिए काम करना है तो अपना क्लिनिक खरीदो, जगह चालू करो, दिन में 8 घंटा प्रैक्टिस करो. ओके. तो मुझे लगता था कि मुझे कुछ ऐसा पार्ट टाइम काम करना चाहिए जिसमें मेरा नाम भी अच्छा हो जाए और 2-3 घंटे में मैं घर आ जाऊं. इंक्वायरी करते मुझे फिटनेस काउंसलर का कहीं पे प्रोफाइल मिला. फिटनेस काउंसलर का प्रोफाइल आपने देखा? ओके. उनका आर्टिकल देखा, ब्लॉग देखा. ओके. इट वाज इन अ न्यूज़पेपर. देन आई कॉन्टेक्टेड द न्यूज़पेपर पीपल. अच्छा. वहां से आपने किसी को कॉन्टेक्ट किया? कि हु इज दिस, यू नो, राइटर, ब्लॉगर, फिटनेस एक्सपर्ट, आई वांट टू टॉक टू हर. ओके. शी वाज समबडी इन अहमदाबाद. ओके. एंड देन आई टॉक टू हर. And then I inquired and then I came to know about Reebok. Very nice. यहां से आपकी लाइफ में एंट्री हुई Reebok की. And luckily it was destined for me. Uh-huh. मैंने जैसे ही इंक्वायरी किया उन लोगों ने बोला yes, yes, there is an orientation going to happen in Surat in next week. Probably it was destined for me. मेरे लिए वो ही था. मतलब आपने तुरंत उसको पिक कर लिया. हाँ. और मैं गई ओरिएंटेशन में. मुझे बहुत पसंद आया. ओके. पर वो आसान नहीं था. इट वाजंट इजी. व्हाट यू आर सीइंग मी टुडे. हां. इट्स अ लॉन्ग जर्नी ऑफ वेरी हार्ड वर्क. वेरी वेरी हार्ड वर्क आई टेल यू. बिकॉज़ लेट अस टॉक अबाउट दैट लॉन्ग एंड हार्ड जर्नी. आई टेल यू व्हाट, टू बिकम अ फिटनेस एक्सपर्ट, नॉट जस्ट एन इंस्ट्रक्टर. ओके. फिटनेस एक्सपर्ट. फिटनेस एक्सपर्ट बनने के लिए पहले तो आपको पढ़ाई करनी पड़ती है अबाउट ह्यूमन बॉडी. ओके. अबाउट दिस, यू नो, एक्सरसाइज साइंस है, वो पूरा साइंस है. ओके. स्पोर्ट्स साइंस है, फिजियोलॉजी है, ये सब आपको पढ़ना पड़ता है. तो आपने वापस उसको पढ़ने की शुरुआत की एज अ पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग? यस. ओके. वो सर्टिफिकेशन में आपको वो कंपलसरी होता है थ्योरी. बट आई हैव अ मेडिकल बैकग्राउंड, राइट? ओके. सो इट वाज इजी फॉर मी. या बिकॉज आपको वो यहाँ पे थोड़ा सा आपका वो बेनिफिट एक्सपीरियंस. अब यहाँ पे थोड़ा सा रुकेंगे बिकॉज Reebok फिटनेस ट्रेनिंग में थोड़ा ये शो जैसे हम काफी बार देखते हैं. इट्स ऑल अबाउट लीडिंग पीपल. इट्स ऑल अबाउट लीडिंग पीपल. यू एक्सरसाइज एंड यू लीड पीपल अलोंग विद यू.
एब्सोल्युटली, तो वापस ये मुद्दा मैंने तो वो कभी किया ही नहीं था. ओके. और जब भी मैं फर्स्ट डे एक्सरसाइज प्रोग्राम के सर्टिफिकेशन में गई, आई वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक. आई वॉज अ मेजर मेजर फेलियर. आई क्राइड लाइक एनीथिंग. अच्छा, आप रोए उस दिन बहुत कि ये तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगी, मेरे से पैर उठा नहीं जाता, डांस म्यूजिक ये सब क्या है. ओके, जहां पे आपने मतलब पहली बार देखा. यस, बट देन दीस प्रोफेशनल्स, रीबॉक प्रोफेशनल्स, दे आर सच वंडरफुल मेंटर्स, सच ब्यूटीफुल पीपल. दे आर नॉट जस्ट योर टीचर, बट दे सपोर्ट यू, दे गाइड यू, दे empower you, I would say, very nicely, emotionally, आपको भी किया. बहुत support करते हैं वो लोग आपको. अब यहाँ पे बात निकली है mentor की. Yes. तो काफी लोग ये समझते हैं कि successful लोग नसीब से successful होते हैं. तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे तो पता ही नहीं है नसीब क्या होता है. क्योंकि लोग mentor, training, coaching, इस चीज से बहुत भागते हैं. कल्पा, I tell you, मैं जब भी अपनी क्लास में गई, तभी कोई डांसर था, कोई गरबा एक्सपर्ट था, okay. कोई ऑलरेडी अपने कुछ कुछ कर रहा था. ओके. एंड आई वाज 29. ओके. यस. और जब भी मैं अंदर गई तो मेरे से शायद सब लोग 5, 7, 10 साल छोटे 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 होंगे. यस. तो मैं सबसे बड़ी और मुझे बिल्कुल नहीं आता था. ट्रू. या आई टेल यू व्हाट, लाइफ में सीखना वो सबसे बड़ा चैलेंज है. देयर यू गो. या और लोग इसी से भागते हैं. कल्पा, बहुत बड़ा चैलेंज है और मुझे तो लगता है शायद मुझे सबसे ज्यादा खुशी उसी में है, दैट आई एम लर्निंग. मतलब यू आर अ लर्नेड पर्सनालिटी. कल्पा कोई नसीब से ट्रेनर नहीं. नहीं माने, मुझे तो पता ही नहीं है नसीब क्या होता है. इट इज अ लर्निंग, यू हैव टू वर्क हार्ड. और कितने साल तक ये हार्ड वर्क रहा कल्पा? एज आई हैव टोल्ड यू, आई हैड अ गुड मेडिकल बैकग्राउंड, गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट ह्यूमन बॉडीज एंड एवरीथिंग, साइंस बैकग्राउंड, साइंस, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये सब आता था. था आपको? यस. तो मेरे में कॉन्फिडेंस था कि आई वुड बी एबल टू फेस पीपल. ओके. तो ये जो प्रैक्टिस था फिजिकल एक्सरसाइज का, वो मैंने बहुत प्रैक्टिस किया. और कितना टाइम लगा ये करने में? कुछ इट टुक मी सम 3-5 मंथ्स. ऐसा नहीं है कि मेरा सर्टिफिकेशन हो गया और मैं जॉब ढूंढने निकल पड़ी. नहीं, मैंने खुद को बहुत टाइम दिया. 6 महीना तो मैंने खुद प्रैक्टिस किया. वेरी नाइस. तो 6 मंथ्स तो आपको इसी में लगे. Yes. खुद को तैयार करने में, सीखने में, व्हिच इज अ लॉन्ग पीरियड. एंड आई थिंक आई एम स्टिल लर्निंग. यू आर स्टिल लर्निंग. सही है. इट नेवर गेट्स ओवर. जिनकी लाइफ में अब तक फिटनेस Yes. अभी तक एंटर नहीं हुई है, डू यू वॉन्ट टू ड्रॉ देयर अटेंशन हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू बी फिट? फिटनेस इज यू. फिटनेस को एक बात समझिए. आज लोग बोलते हैं कि मैं जिम का मेंबरशिप 3 महीने का ले रहा हूँ, 3 महीने में मैं पतला हो जाऊंगा, बस आई डोंट नीड टू बी द मेंबर ऑफ द जिम आफ्टर दैट. आई टेल यू नो. आप जो हो, यू आर पूजा बिकॉज यू आर फिट. इट इज दैट इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट बिकॉज आई एम इन टू फिटनेस. ओके. पर आप जो हो, कोई भी फील्ड में सक्सेसफुल हो, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनको देख लो, उठ के कोई भी काम करने के लिए जो आप में कॉन्फिडेंस, जो सोचने की कैपेसिटी, okay, जो कुछ भी power, आता है, वो सब आता है आपकी फिटनेस से. एंड दैट फिटनेस इज योर माइंड एंड बॉडी. दैट फिटनेस इज योर माइंड एंड योर बॉडी. अ गुड बैलेंस ऑफ योर मेंटल स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ एज वेल एज योर फिजिकल स्ट्रेंथ. कितना दैट मेक्स यू फिट. That makes you fit. What is fitness? That you are fit mentally, you are fit physically. आज हमारा जो शो है, इट इज अबाउट रोशनी, अंधकार से उजाले तक की जर्नी. आपने शेयर किया कैसी कैसी स्ट्रगल्स की और यहाँ तक आप पहुंचे. दो प्रोफेशन, एक डॉक्टर, एक फिटनेस ट्रेनर, विच इज मोर सेटिस्फैक्ट्री? मैंने पहले भी बोला कि फिटनेस आज इतनी इम्पॉर्टेंट बात हो गई है, क्योंकि एवरीबडी इज एक्टिव. लाइफ हैज बिकम रियली फास्ट. जो चीज पहले 1 साल में होती थी, आज 1 हफ्ते में हो जाती है. तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा एक्टिव रहना पड़ता है, और एक्टिव रहने के लिए यू हैव टू बी फिजिकली वेरी फिट, मेंटली साउंड एंड स्ट्रांग एंड कॉन्फिडेंट. तो फिटनेस इज सच अपकमिंग एंड बूमिंग इंडस्ट्री राइट नाउ. ओके. हूएवर इज इन फिटनेस is in right spot. So right spot. Yes. आपके हिसाब से होम्योपैथी is a beautiful science, very old and beautiful science. I love practicing homeopathy. Okay. It's
never ending science. You always keep learning, evolving as a doctor. तो वो तो है ही मेरे पास. तो ये फिटनेस पे थोड़ा सा आपका मेरा मुझे वो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि यू वर्क विद पीपल ऑफ कोर्स एज अ डॉक्टर आल्सो यू वर्क विद पीपल बट फिटनेस में क्या है कि आपको तुरंत ही रिजल्ट देने पड़ते हैं जैसे मैंने बोला इट्स अ फास्ट पेसिंग यू आर आल्सो ऑन योर टू ऑल द टाइम यस चैलेंजेस एज अ वर्किंग फीमेल आई या लाइक जैसे आप अभी यहां बैठे हैं वर्किंग फीमेल एक रोल नहीं है इट इज एन एक्स्ट्रा रोल टू ऑल अदर रोल्स एब्सोल्युटली सो राइट सो बैलेंसिंग कैसे होता है कल्पा थोड़ा सा अगर आप अपना रूटीन बताओ थोड़ा सा शेड्यूल तो यहाँ के जो लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं वो जान पाएंगे हाउ डू यू बैलेंस योर वर्किंग लाइफ एंड योर पर्सनल लाइफ पता नहीं पर मेरा तो ऐसा है कि शादी हुई बेटा हुआ तो बच्चा हुआ तो मुझे हमेशा से ये क्लियर था कि ये मेरा फर्स्ट ड्यूटी है ओके हमेशा से मुझे करियर चाहिए था कुछ काम चाहिए था अपना आइडेंटिटी इंडिविजुअलिटी चाहिए था पर ऐसा नहीं था कि मुझे उसमें खो जाना था मतलब इनको भी नहीं खोना था और उसमें भी नहीं खोना था नहीं फैमिली तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है पहले से रहा है तो मैंने हमेशा से पार्ट टाइम काम किया ओके आई वुड ऑलवेज वर्क इन बिट्स एंड पीसेस मॉर्निंग 2-3 आवर्स देन 2 आवर्स इन द आफ्टरनून ओके यहां पे थोड़ा रुकेंगे यस पार्ट टाइम जॉब आप एक मैसेज दे रहे हो कि ऐसा जरूरी नहीं है अगर आपकी लाइफ आपको अलाउड नहीं करती फुल टाइम वर्क करने के लिए फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट के लिए तो भी यू कैन स्टिल वर्क एज अ पार्ट टाइम एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली इफ यू हैव सपोर्ट सिस्टम अराउंड यू दैट यू नो योर चाइल्ड इज बीइंग लुक्ड आफ्टर टेकन केयर ऑफ व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट बिलीव मी उनको अच्छे से बड़ा करने के लिए अगर आपके पास सपोर्ट सिस्टम है तो आप फुल टाइम भी काम करो अच्छे से तो आपका भी 100% आप काम में दे सकते हो बिजी हो जाओगे और आपका फोकस नहीं नहीं तो हमेशा से ये गिल्ट रहेगा कि मेरा घर बहुत गड़बड़ है यस ऑल्दो यू आर डूइंग वेरी वेल एट योर वर्क पर घर में अगर सब ठीक नहीं चल रहा तो वो आपको कभी भी मेंटली सेटल नहीं होने देगा ये अच्छा पॉइंट सामने आ रहा है ये वर्किंग फीमेल्स को ये गिल्ट रहता है कल्पा आई मीन हमेशा उनको ये फीलिंग रहती है कि कुछ छूट रहा है कुछ सही नहीं है मैं कुछ जगह पे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे आप नहीं ही कर पाओगे तो ये सोच से कैसे निकलना है एक एक चीज समझ लो कि वो जो पिक्चर आता है ना वर्किंग एक महिला के पीछे एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में बेलन एक हाथ में ऐसा कुछ कुछ हद तक सही है पर वो पॉसिबल नहीं है पॉसिबल नहीं आप जब भी काम पे जाओ वहां पे 100% दो जैसे ही घर पे आओ घर पे पूरा पूरा ध्यान दो ओके या कोई चीजें तो आपको छोड़नी पड़ेगी ओके यू हैव टू टेक योर कॉल यू हैव टू मेक योर कॉल ओके यू हैव टू मेक योर चॉइसेस राइट ओके अगर आप करियर के बगैर रह ही नहीं सकते तो यू डू योर जॉब बेटर उससे शायद आप वही बेस्ट कर सकते हो पर इफ यू वांट बोथ ऑफ इट तो वो आपको बैलेंस करना आना चाहिए बैलेंसिंग इज द की वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट सो हियर वी कम फॉर द ब्यूटीफुल मोमेंट ऑफ Roshini Tiara session. This is for you. Thank you for coming on show. The session आज हमारे साथ है राकेश भाई धरती नमकिन्स की ओर से जिन्होंने हमें गिफ्ट स्पॉन्सर किया है He is here, so he'll be giving the privilege to Madam. Please come.